बढ़ते आगे, नोएडा में होली के मौके पर कानून का उल्लंघन करने के साथ रील्स बनाने वाले तीन युवाओं पर शिकंजा कस गया है। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया और तीनों का कहना है कि कानून से खिलवाड़ करना नहीं, केवल रील्स बनाना ही उनका मकसद था। नोएडा की सड़कों पर होली के दिन स्कूटी पर स्टंटबाजी के बाद अब पुलिस ने सख्ती की है। एक तरफ जहां 33,000 रुपए का चालान काटा तो वहीं FIR भी दर्ज हो गई। होली के दिन यानी सोमवार को नोएडा में स्कूटी में ट्रिपलिंग और होली खेलने का वीडियो वायरल हुआ था। ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई थी, सिर पर हेलमेट भी नहीं पहना था। पुलिस ने एक्शन लेते हुए रील्स बनाने में शामिल तीनों युवाओं को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। तीनों को नोएडा के सेक्टर 15 के मेट्रो स्टेशन के बाहर से हिरासत में लिया गया। पुलिस ने धारा 279, 336, 337, 290 और 294 के तहत FIR दर्ज की है। थाना सेक्टर 113 क्षेत्र में केस दर्ज हुआ था। वहीं हिरासत में लिए जाने से पहले तीनों पीयूष, प्रीति और विनीता का पक्ष भी सामने आया था। केस दर्ज होने और चालान कटने के बाद उनका रील्स का बुखार भी उतरता दिखा। इन तीनों का रील्स बनाने का ग्रुप है, इनमें कुछ और लोग भी बताए जा रहे हैं। रील्स बनाने के बाद इन तीनों की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना की गई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने इनको काफी खरी खोटी सुनाई। ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि होली की आड़ में दोनों लड़कियों ने अश्लीलता फैलाई। मामले ने तूल पकड़ा तो सभी माफी भी मांग रहे थे। इनका कहना था कि वो 33,000 रुपए का जुर्माना भी नहीं भर सकते क्योंकि उनके पास चालान भरने तक के लिए पैसे नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद अब ये सभी कानूनी शिकंजे में घिर गए। प्रीति और विनीता ने ये भी कहा था कि होली की खुशी में वीडियो बनाया गया था, अश्लीलता फैलाने की मंशा नहीं थी, लेकिन लोगों को बुरा लगा, इसके लिए वो सभी से माफी मांगती है और आगे से इस तरह के वीडियो कभी नहीं बनाएंगे। लोगों की भावना को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दो लड़कियां होली खेलते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद एक वीडियो और वायरल होता है जिसमें वो स्कूटी पर नोएडा में होली खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को अश्लील बताया गया, तमाम कमेंट्स किए गए। उसके बाद नोएडा पुलिस ने अपने स्तर से कार्रवाई की, चालान काटा 33,000 रुपए का और अब एक FIR भी लिखी गई है। हमारे साथ वो दोनों लड़कियां और वो लड़का पीयूष दोनों लोग मौजूद हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिर ये वीडियो बनाने का शौक कहां से आया और उसके बाद अब ये कार्रवाई हुई, इसको कैसे देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रीति, क्योंकि आप लोग ने मेट्रो में भी वीडियो बनाया है। हाँ। आप कैसे देखते हैं और जिस तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं उसको अश्लील बताया गया, तब दिमाग में था ऐसा कुछ कि ये अश्लील वीडियो है? जब मैंने वीडियो बनाई तो ऐसा नहीं लगा मुझे कि ऐसी वीडियो है, पर सब लोगों ने कमेंट किया तो मुझे अंदर से फील हुआ कि हो सकता कि ऐसा गलत है। ये आइडिया कहाँ से आया था? मेट्रो में कहाँ से आप लोग आ रहे थे और किस मेट्रो में बनाया? मैं वीडियो शूट करके आ रहे थे एनएसपी से, तो वो जो रेड कलर की लाइन है उसी लाइन पे बनाई थी। अनीता, आप कैसे जानती हो प्रीति को? हम लोग ना ग्रुप में काम करते हैं, एक दूसरे ऐसे ही मिल गए जैसे इंस्टाग्राम द्वारा।